हेलो दोस्तों, इस चैनल पे मेरा आज पहला क्लास है और आज से हम इस चैनल पे इंग्लिश लिटरेचर का और लैंग्वेज का कुछ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाएंगे और आपको उसके बारे में बताएंगे। जैसा कि आज हमने लाया है द नाइट टेल्स, ठीक है। इस स्टोरी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ये स्टोरी है क्या आखिर। ये स्टोरी कंटेम्पोरेरी टेल का सबसे लंबा और पहला सबसे पहला कहानी है, ठीक है, टेल्स है। इट इज द लॉन्गेस्ट टेल ऑफ बोकासियो टेसिडा, ठीक है। अब इस कहानी पर हम लोग आते हैं, ठीक है। ये कहानी में एक राजा के बारे में बताया गया है, थेसियोस, जो है प्रिंस ऑफ एथेंस। फिर उसकी वाइफ का नाम है हिप्पोलाइटा, ठीक है, जो एमेजन की रानी थी और थेसियस की वाइफ हुई। फिर एक करेक्टर है इसमें एमेले, सिस्टर ऑफ हिप्पोलाइटा, ठीक है। अब इसमें दो लोग और हैं, आर्साइट और पेलामोन, ठीक है। चलिए हम आगे बताते हैं है कौन। जब एमेजन से लड़ करके जब एमेजन को जीत करके एथेंस वापस लौट रहा था थेसियस, तो रास्ते में कुछ औरत उनको मिलती है और वो रोती हुई आती है इनके पास, राजा के पास, और बोलती है कि शहीद मेरे जो हस्बैंड लोग हैं वो किसी लड़ाई में शहीद हो गए थे, इसलिए क्रियोन्स किंग जो है उनका लाश उन औरतों को नहीं दे रहा था। तो ये आकर के इनसे गुहार लगाती है थेसियस से कि आप जाओ और उससे लड़ो और मेरे हस्बैंड का जो लाश है, डेड शरीर जो है वो वापस लेकर आओ, ठीक है। तो उनकी गुहार सुनकर के थेसियस तैयार हो जाता है जाने क्रियोन किंग से लड़ने के लिए, ठीक है। तो क्रियोन किंग से लड़ने के लिए थेसियस जाता है, थेसियस क्रियोन किंग से लड़ाई करता है। लड़ाई करने पर वो वहां पर दो लोगों को अर्साइट और पेलामोन को बंदी बना करके एथेंस लेते आता है और जेल में उसको बंद कर देता है। अब क्या होता है कि जो एमेली है, हिप्पोलाइटा की जो बहन थी, बहुत खूबसूरत है, उसको अर्साइट और पेलामोन देख लेता है, जेल से उसको देख लेता है और दोनों को उससे प्यार हो जाता है। अब क्या होता है कि एक प्रोथियस नाम का लड़का होता है जो राजा का दोस्त भी होता है और अर्साइट का भी दोस्त होता है, दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड होता है। वो है ना राजा से बात करके अर्साइट को जेल से छुड़ा देता है। अर्साइट को जेल से राजा छोड़ तो देता है लेकिन एक शर्त रहता है कि एथेंस वापस कभी लौट के नहीं आएगा। तो अब क्या बात था कि अब तो अर्साइट को प्यार हो जाता है, तो वो क्या करता है कि भेस बदल करके एथेंस में रहने लगता है। जब भेस बदल कर रह रहा है, ठीक है, तो इसी पीरियड में क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, जो पेलामोन था जो जेल ही में था बंद, जो बाहर नहीं हो रहा था, वो किसी तरह से कोई उपाय लगा करके वहां से जेल से भाग जाता है। और जब भागते हुए जंगल की ओर जाता है तो उसको आउटसाइड से मुलाकात होती है। आउटसाइड तो भैंस बदला हुआ था इसलिए पेलामोन को पहचान गया, बट पेलामोन उसको नहीं पहचाना। तो आउटसाइड पेलामोन को बोला, मिला, बात किया, तो उसमें क्या हुआ, ये दोनों तो अब किसी एक लड़की के लिए लड़ रहा है, इसके लिए एमएलए के लिए एमएलए के लड़ा, तो उन लोग दोनों लड़ाई करने लगा। जब लड़ाई करने लगा तो फिर क्या हुआ, उन लोग एक शर्त रखा कि ठीक है, कल तुम लोग हम दोनों को तैयार होकर आएंगे और दोनों लोग आकर के लड़ेंगे। तो दूसरा दिन लोग आया, तलवार हुआ जो भी सामान था अपना लेकर आया लड़ने के, जैसे लड़ने लगा उसी है ना क्या होता है कि थेसियस वहां पहुंच जाता है और थेसियस को पता चल जाता है कि उन लोग लड़ाई क्यों कर रहा है। तो थेसियस एक शर्त रखता है कि तुम लोग अपना एक फोर्स तैयार करो, अपना आर्मी तैयार करो, उसके बाद एक मैं टूर्नामेंट करवाऊंगा और उसके लिए एक जगह हम निश्चित करेंगे, वहां तुम लोग और लड़ो और जो जीतेगा उसका साथी हम इमीडिएट से करवा देंगे। तो उन दोनों ये शर्त मान जाता है, उन दोनों चला जाता है और अपना अपना एक तैयार सेना तैयार करता है। सेना तैयार करने के बाद फिर वापस आता है और उन दोनों लड़ता है। लड़ने से क्या होता है कि अर्साइट अपलेमन जो कि दोनों मतलब कजिन्स भी है और बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन एक लड़की के लिए लड़ने लगा और दोनों जब लड़ा, फोर्स लाकर एक दूसरे से लड़ा, तो क्या होता है, अर्साइट जीत जाता है और पेलामोन हार जाता है। लेकिन उसी दौरान वहां पर अर्थक्वेक आ जाता है और अर्थक्वेक के कारण अर्साइट बुरी तरह से घायल हो जाता है। तो लोग सोचते हैं कि अर्साइट जल्दी ठीक हो जाएगा, बट वो ठीक नहीं होता है, वो मरने के कगार पर होता है। तो वो बोलता है एमेली को कि पेलामोन बहुत अच्छा लड़का है, उससे तुम शादी कर लो। और पेलामोन और एमेली की शादी हो जाती है और यही इस कहानी का पूरा सारा।